दुनिया के हाल की वो मिकदार जिससे हाजत बराई हो जाए उससे अच्छी है जो हलाकत को पहुंचाए। जिस शख्स के मकासद खराब होते हैं उसकी आमदोरफ्त के मौके भी खराब होते हैं, और जिस शख्स के मामलात खराब होते हैं उसके मरने पर लोग हद से ज़्यादा खुश होते हैं। सबसे मुनाफिक वो है कि अगर किसी काम की बजा आवरी का हुक्म हो तो उसे बजा ना लाए, और किसी काम से मना किया जाए तो उससे बाज ना आए। मज़लूम शख्स का जब तक कोई मददगार ना हो वो इंसाफ नहीं पा सकता, और नेककार शख्स का बदकार से अपना बदला नहीं पाता। औरत जात का अगर कोई वाली और ख़बरगीर ना हो तो ये कसाब के तख्ते का गोश्त है, जो चाहे उसे ले जाए। मिजाज में नरमी चाहिए मगर ना इतनी कि ज़यीफ़ और कमज़ोर समझा जाए, और किसी कदर सख्ती भी ज़रूरी है मगर ना उस कदर के लोग तुझे बदमिजाज कहें। सलामती तन्हाई में और आराम ख्वाहिश को छोड़ने में है, नफ्स की ख्वाहिश बराई पर और दुनिया की मोहब्बत से गाफिल कर देती है। खबरदार, तुम्हारी निस्बत सबसे ज़्यादा उस बात का डर है कि कहीं तुम ख्वाहिश नफ्स और तूल अमल की पैरवी ना करने लगो। खुशी है उस शख्स के लिए जिसने अपनी नफसानी ख्वाहिशों की तकलीफ़ को झेला, अपनी उम्मीदों को झूठा समझा और कोशिश के तीर को ठीक निशाने पर लगाया और अपने अमाल का बदला पा लिया। अकल और हवाए नफ्स का बहम इत्तफाक नहीं, और दुनिया और आखरत का आपस में साथ नहीं। सबसे बुरा भाई वो है जो तुझे ख्वाहिश परस्ती पर उबारे। औरत के दिल में जगह बनानी है तो पहले औरत की भूख को मिटाओ। औरत की भूख तीन चीज़ों से मिटती है, दौलत, तारीफ और इज्जत।